नमस्कार न्यूज 9 को स्वागत करछि मु जोगमाय संपूर्ण खबर को आसीबा कटक सदर थाना पुलिस रो पूर्णी एनकाउंटर रे दुर्दांत अपराधी बसीर खान आहत होईछि बसीर रो डाहण गोडो रे गुली बाजीथिबा बेले ताकू एससीबी रे भर्ती करा जाईछि ब्राह्मणी झरळे अंचल रे गतकाले राति रे एनकाउंटर करछि पुलिस गिरफ करबा को जाईथिबा बेले पुलिस ऊपर को दुईटी बोमा फिंगीथिला बसीर एनकाउंटर परे बसीर थारू तीनटी बोमा एवं मोबाइल जबत होईछि याकु मिसाई कटक रे एपर्यंत 17 टी एनकाउंटर कलाणी पुलिस विजिलांस जालरे प्रधान शिक्षक आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे कुआर मुंडा जंगलबिरा प्रकल्प उच्च प्राथमिक विद्यालय रो प्रधान शिक्षकक बासभवन रे चढ़ाव करछि विजिलांस प्रधान शिक्षक रामलाल तंतिंक घर ओ ऑफिस रे विजिलांस चढ़ाव करछि एककालीन चारिटी स्थान रे चढ़ाव जारी रहिछि वीरमित्रपुर बनमुंडा रे दुई दुई महला कोठारे चढ़ाव होइथिबा बळे दमदाम पडारे थिबा ससुर घर एवं जंगलबिरा कार्यालय रे थिबा रेड करिछि विजिलांस इने सूचना देछन्ते रौरकेला विजिलांस डीएसपी दिलीप कुमार करो जेल रे 46 शिशु निर्दोष 45 कैदी मांक सहित ओडिसा रो विभिन्न जेल रे रहउछन्ती एही 46 निर्दोष जे शिशु को पाए जेल रे कोनोसी सुविधा मध्य उपलब्ध करा जाय नाही निज आडू घटना को गुरुतर सह निछन्ती जातीय मानवाधिकार कमिशन बा एनएचआरसी एनेई सबु राज्य ओ केन्द्र शासित अंचल को एनएचआरसी को पक्षरु नोटिस जारी करा जाय छि एपर कि जेल रे शिशु को पाए कोन सबु सुविधा करा जाय छि तार मध्य रिपोर्ट तलब करिछन्ती कमिशन आम राज्य रे 9 दोषी एवं 36 जन विचाराधीन मां को पाखरे रहउछंती एही 46 जन शिशु जो मन को वयस एक मासरु 6 वर्ष मध्य रे 46 शिशु को मध्य रे अछंती 25 छिय ओ 21 पो श्रीमंदिर भितर काठरे लागिव सीसीटीवी भक्तंको सेवादंको माड़ घटना परे भितर काठरे सीसीटीवी लगाइबाकु निष्पत्ति नेछि श्रीमंदिर प्रशासन गतकालि श्रीमंदिर मुख्य प्रशासकंको अध्यक्षतारे होइथिबा बैठकरे एसपी ओ नीति प्रशासक उपस्थित रहिबा सह एने गुरुत्वपूर्ण आलोचना होइथिला तबे नीति समयरे सीसीटीवी को बन्द कराजिबो बोली निष्पत्ति होइछि अनेक समयरे भितर काठ निकटरे अघटन घटुथिबारु सीसीटीवी लगाई घटनार अनुध्यान कराजिबो पूर्वरु एठारे सीसीटीवी लगा जायथिबा बेले जगमोहन मरामति जोगु सीसीटीवी को कढा जायथिला अनपटे सेवायतंक विश्रुंखला आचरणकु नै कार्यानुष्ठान नैछि श्रीमंदिर प्रशासन श्रीमंदिर आईन 21 ख धारारे दुई सेवायतंकु सेवारु बहिष्कृत करा जायछि दुई सेवायत हेले मदन मोहन खुंटिया ओ सोमनाथ मेकाप संपर्क रे अधिक सूचना पाई फोन लाइन अछंती प्रतिनिधि अक्षय मिश्र अक्षय भितर काठरे सीसीटीवी लागिबो जबळे भाबरे सेठरे नीति कांति सब रही थाए एवं जहा को के लोक लचन को आनिबा पाई मना थाए मते तबे एठरे सीसीटीवी लागिबा कोने किभळे भाबरे अनुमति मिलछि हां देखो निश्चित पक्षे जेतु तीन दिन तले जबळे भाबरे जणक भक्त को सेवायत माड़ मारले भितर काठ निकट रे एवं तांको रक्तक्त कले से घटना को लेकिन सब भक्त महल मग उद्वेग प्रकाश पाई कारण बाहर काठ पाखे सीसीटीवी रखा जाए कि भितर काठ सीसीटीवी ना ये कि सेठी महाप्रभु अनेक नीतिकांति कराए और अणसर बेले महाप्रभु गुप्त नीति कराए तेणु से जगार पूर्व सीसीटीवी लगा जाता है जगमन मरामति भी नहीं कराई है से समय सेवायत विरोध करते कि जेहेतु गोटे स्पर्शकात प्रसंग घटना घटीगला और सेवायत जेहेतु माड़ मारे तेणु निश्चित पक्षे गतकाली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक पुरी एसपी सार्थक षडंगी और श्रीमंदिर नीति प्रशासक प्रदीप दास उभय बसिक एक बैठक करते से सीसीटीवी लगवा निहाति आवश्यक कारण जेहेतु भक्त मैंने भितर काट पाक दर्शन करते तेणु से जगह कि भक्त श्रृंखल दर्शन हम तेणु यह परिचालना करने सीसीटीवी आवश्यक हम और अंपटे नीति समय सीसीटीवी को बंद करवस्था कराई यह खूब शीघ्र लागू करपटे मत देखा गले जो दुई जन सेवायत जी हूँ मदन मोहन खुंटिया और सोमनाथ मेकाप जो दुई जन की से भक्त महाराष्ट्र भक्त को चेतन अमलकर को आक्रमण करते दुई जन को श्रीमंदिर प्रशासन जो आईन अच्छी 21 ख धारा रे विशृंखलित आचरण जो से सेवार बहिष्कृत कराई तेरु मोटा मोटी आम कह कि ये घटना पर निहाति पक्षे अन्य सेवायत मैंने जो भाया विशृंखलित होने एथप्रति सचेतन है अंपटे श्रीमंदिर प्रशासन जेहतु भक्त भिड़ दिन दिन बढ़िवार लगे तेणु से भाई कौन से अघटन कि भाव भितरकाट निकट न घटे तेणु से सीसीटीवी व्यवस्था कराऊँगी तेणु निहाति पक्षे श्रीमंदिर प्रशासन ये पदक्षेप को सब महल स्वागत कराऊँ समस्ते स्वागत करछन्ते तबे सेवायत मानकर प्रतिक्रिया कोन रहूची से माने यहाकू केते दूर स्वागत करछन्ते बा यहाकू अनुमति प्रदान करछन्ते
ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେତେବେଳେ ସିସିଟିଭି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ଭିତରକାଟ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ସେବାୟତମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସିସିଟିଭି ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ରହେ ତାର ମୁହଁଟି ତେବେ ସେଠାରେ ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ଗୁପ୍ତନୀତି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାହା ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବା ସମସ୍ତ ପୋଲିସମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ତେଣୁ ତାହାକୁ କିଭଳି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସିସିଟିଭିକୁ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ପଟକୁ ତାର ମୁହଁ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହିପଟେ ଲଗାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜଗମୋହନ ପରାମର୍ଶ ବେଳେ ଏହା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେବାୟତଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।